रोशनी है मौसमों में, रंग बिखरे हैं हवा में। अब के शायद होंगे सच वो ख्वाब सिमटे जो दुआ में। आसमानी हो चली है धीरे धीरे चाहते, कुछ पलों की बात है फिर राहते ही राहते। आर्मी ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं है, सपने ऐसे ही पूरे नहीं होते बेटा। अगर तुम ऐसे ही मेहनत कहती हो तो तुम्हें सपने देखने का कोई हक नहीं। ट्रेन कैंसिल हो गई है प्लेन से। आप आओ, 10,000 दे दीजिए, आपका टिकट करवा देता हूँ। 10,000 रुपए? क्या जरूरत है इस लड़की को अपने हैसियत से बड़े सपने देखने की? जरूरत है, मेरी बेटी अफसर की जिंदगी जिएगी। मेरी तरह से नहीं, जो जिंदगी भर लोगों को सलूट मारता रहा, लोग मेरी बेटी को सलूट करेंगे। हाँ बेटा बोलो। पापा मुझे लगा आप परेशान होंगे इसीलिए बताने के लिए कॉल किया कि माँ ने खाना खा लिया है और वो बिल्कुल ठीक है। हाँ बेटा, मुझे पता था कि मेरी बेटी सब कुछ संभाल लेगी। तू है तो मुझे किस बात की चिंता है बेटा। बेटा मैं थोड़ी देर बाद तुझसे बात करूँ। पापा चिंता तो है आपको किसी बात की, क्या हुआ, क्या छिपा रहे आप? नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं बताएंगे ना आप? नहीं मिल पाए ना पैसे, नहीं दिया ना बॉस ने एडवांस? हाँ बेटा मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया। तेरे पापा पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए बेटा, नहीं कर पाए। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया, हार गया मैं, हार गया। कैसी बातें कर रहे हैं पापा, आप ही कहते हैं ना हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, सिर्फ एक प्रॉब्लम से भला मैं कैसे रुक सकती हूँ? लेकिन बेटा बिना इम्तिहान दिए तेरा सिलेक्शन कैसे होगा? एंट्रेंस एग्जाम, मेडिकल एग्जाम सब हो जाएगा और मैं सिलेक्ट भी हो जाऊंगी, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन अगर आप इस तरह हिम्मत हार जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं जानता हूं कि तू भी बहुत दुखी है, अपने पापा को खुश करने के लिए तू ये सब बोल रही है ना? नहीं पापा, आपने मुझे एक्टिंग की ट्रेनिंग थोड़ी ना दी है, आप ही की वजह से ही तो मैं हर मुश्किलों से लड़ना सीखा है। मुझे बहुत गर्व है कि आप मेरे पापा हो, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। बस आप हार मत मानना और मेरी बिल्कुल चिंता मत करना, मैं अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। मौके तो कभी भी मिल सकते हैं, बस हमें तैयार रहना चाहिए। चलिए अब मैं आज का टारगेट पूरा कर लेती हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है पापा, मैं रखती हूँ। क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं माँ। कुछ तो है, बता क्या हुआ, बोल। माँ तुम चाहती थी ना कि मैं आर्मी में ना जाऊं, लगता है वही होगा, पापा को पैसे नहीं मिले। Thank you.
में कोई नहीं है क्या? तुम्हारे पूजनीय माता पिता कहाँ है? आपको कुछ काम था उनसे? सेची, आप क्यों आए? आपने क्यों तकलीफ की? लो, यहाँ पे नोएंट्री का बोर्ड था क्या? अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं बस कह रही थी कि आप लोगों ने क्यों तकलीफ की? बात तो मैं खूब समझता हूँ। मेरे पैसे लौटाने की नियति ली आप लोगों की। कहाँ है तुम्हारे पति? पापा ऑफिस गए। बहुत खूब, ऑफिस गया है, कामकाजी आदमी है, फिर भी मेरे पैसे लौटा नहीं सकता। कहाँ उड़ाता है अपनी सैलरी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सेठ जी, हम बहुत तकलीफ में, घर के खर्चे में सब खत्म हो जाता है। खर्चा तो होगा ही घर का, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मेरे पैसे नहीं लौटा सके। नहीं सेठ जी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, हम लौटाना चाहते हैं, बस हमें थोड़ा समय दे दीजिए। पहले पैसे मांगे, अभी समय मांग रहे हैं। देखिए, मांगने का धंधा बंद कीजिए, सीधी तरह से मेरे सेठ जी के पैसे लौटा दीजिए। इसी में तुम लोगों की भलाई है, मैं समझा रहा हूँ। देखिए, आप मेरी माँ से ऐसी बात नहीं कर सकते, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। ए, समझा रहा हूँ मैं। आप ऐसे बदतमीजी मत कीजिए। ए लड़के, चुप। नहीं नहीं, आप शांत हो जाइए, तुम दोनों चुप रहो। आप इनकी बात में मत जाइए, इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मांगने का काम तो ये लोग बंद ही नहीं करते सेठ जी। सेठ जी बच्चियां हैं, नादान है, ये समझ नहीं आता इन्हें। समझ तो खूब है इन लड़कियों में, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। अगर मेरी पैसे जल्दी से नहीं दिया तो बहुत पछताओगे आप लोग, मुसीबत में पड़ जाओगे आप लोग। याद रखो, इसी बात का डर था मुझे। सुषमा चाची का बाहर से ही चली गई क्या? दरअसल वो उनके जो रिश्तेदार है ना, उनके बेटे के साथ तुम्हारे रिश्ते की बात करना चाह रहे। विजय कॉन्स्ट्रक्टर्स का फाइल क्लियर हुआ है? वो बॉस के टेबल पर है, अभी तक उन्होंने देखा नहीं। क्या हुआ रवि, बॉस ने ना कर दिया ना? हाँ साहब, बड़े साहब ने बोला कि पैसा नहीं मिलेगा। अरे वो तो हमें पहले ही पता था, मैंने कभी भी इतना बड़ा सपना नहीं देखा है। अरे क्या जरूरत है बेटी को आर्मी में भेजने की? अरे उसे आराम से घर में रहने दो, उसका घर बसाओ। इतनी छोटी सी बात पे उदास मत हो यार। शर्मा साहब, ये छोटी सी बात नहीं है, हम लोग घर गृहस्थी के बारे में तो सोचते ही हैं, उसी में उलझे रहते हैं, लेकिन देश के बारे में कोई नहीं सोचता, इस धरती माँ के बारे में कोई नहीं सोचता जो हमें अन्न देती है, सड़क पे खड़े उस जवान के बारे में कोई नहीं सोचता जो दिन रात 24 घंटे 12 महीने हर मौसम में हमारी सुरक्षा करता है। अगर वो रक्षा नहीं करे तो ना तो हम देश में चैन से रह पाए, ना अपने घर गृहस्थी बसा पाए, ना ये नौकरियां कर पाए। देश के नाम पर हम लोग क्या करते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी की छुट्टियां मनाते हैं बस। शर्मा साहब, एक सपना मैंने भी देखा था देश की सेवा करने का, लेकिन मेरे हालात ने मुझे ये साधारण चपरासी बना दिया। पर वही सपना मैंने अपनी बेटी की आंखों में भी देखा है, आर्मी ऑफिसर बनने का। उसका यह सपना अधूरा न रह जाए, उसके लिए मैं दिन रात कोशिश कर रहा हूं। वो इस देश का नाम रोशन करे, हम सबका नाम रोशन करे, लेकिन उसका ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा साहब। वो
वो आर्मी का इम्तिहान देने जा ही नहीं सकेगी। लेकिन शर्मा साहब ये बात छोटी सी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये रोटी भी पेट में उठती तो कितना अच्छा होता ना, अच्छी तरह से तो गूंद पानी तो डाल उसमें। यहाँ पे तो 2-3 रोटी आटा गूंदने में ही हजम हो जाती है। घर पे ये काम करने से अच्छा कि मैं आर्मी ज्वाइन कर लूं। अब दीदी भी तो आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकती, उसके भी तो सपना टूट गया। तुझे क्या लगता है मुझे तकलीफ नहीं होती है? माँ मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें तकलीफ किस बात की होती है, उसके जाने से भी तो तुम खुश नहीं थी ना। सच कहूँ तो मुझे भी समझ में नहीं आता। मैं नहीं चाहती कि वो आर्मी ज्वाइन करे, चाहती हूँ कि वो शादी करे। लेकिन जब उसका सपना टूटता है, उसका दिल टूटता है, तो सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे होती है। शायद मैंने ही कुछ। अरे माँ ये थोड़ी ना तुम्हारी गलती है, थोड़ी ना तुम्हारी वजह से हुआ है। किसको पता था कि ट्रेन कैंसिल होगा और एरोप्लेन में जाने की नौबत आएगी। इसको बोलते हैं गरीबी में आटा गिला होना, इसको बोलते हैं नसीब। और नसीब के आगे ना हम कुछ नहीं कर पाते, बस हार जाते। रत्ना, अरे वो रत्ना जल्दी आ जाओ, बहुत जल्दी भी हूँ आज। अब इनको क्या चाहिए? तू इसे देख, मैं अभी आती हूँ और 2 मिनट के बाद बंद करना से। अब गैस के पास भी मुझे ही खड़े रहना पड़ेगा, इतनी गर्मी है। इसको बोलते हैं नसीब। अरे क्या बात है, तुम इतना चिल्ला के रहे हो और बाहर क्या कर रही हो, अंदर क्यों नहीं आई? नहीं बहुत जल्दी मैं हूँ, अंदर नहीं आ सकती। इतनी क्या जल्दी है, क्या हुआ? बात ही ऐसी है, तुम सुनोगी तो तैयारी में लग जाओगी, बहुत अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। तैयारी? मैं समझी नहीं। सोचो सोचो। तुम्हें मेरी आकांक्षा के लिए लड़का मिला है क्या? ए लो, तुमने तो मुझे खुशखबरी बताने का मौका ही नहीं दिया। खैर छोड़ो, लड़का लाखों में एक है, इसकी गारंटी लेती हूँ मैं। सच? उसका नाम क्या है, करता क्या है वो? उसका लड़के का चरित्र, कमाई, घर परिवार, इसके बारे में तुम चिंता छोड़ दो। इस वक्त वो मेरे घर में मेहमान है, समझो खुद चल के आया है तुम्हारे लिए। घर बैठे बैठे हीरा मिल गया ऐसा समझो। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम अगले हफ्ते मिलते हैं उनसे। अरे नहीं नहीं, मिलना तो आज ही पड़ेगा। आज? लेकिन ऐसे अचानक? अब तुम ज्यादा सोचो मत बाबा, लड़का मेरे पति का दूर का रिश्तेदार है, घर परिवार सब आंखों से देखा हुआ है, ऐसा मौका बार बार मिलेगा। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन दरअसल अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन वो लोग कल ही जा रहे हैं। मेरी मानो, आज ही बात करके फाइनल कर लो, अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओगी, घर में दूसरी बेटी भी तो है तुम्हारी। शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ, हम आज ही मिलेंगे उनसे। क्या बात है, मैं शाम को उन्हें लेके आऊंगी। अब मैं चलती हूँ, उन्हें भी तो खबर करनी है। ठीक है रत्ना, अब हम पड़ोसी से रिश्तेदार बनने जा रहे हैं। मैं भी तैयारी कर ली। हाँ चलो। माँ सुषमा चाची कहाँ है, बाहर से ही चली गई क्या? हाँ बेटा, जल्दी में थी वो, उनके घर में ना मेहमान है। तो क्या उन्हें कुछ मदद चाहिए थी? नहीं बेटा, दरअसल वो उनके जो रिश्तेदार है ना, उनके बेटे के साथ तुम्हारे रिश्ते की बात करना चाह रहे। लड़का आज के लिए ही है, इसलिए आज ही मिलना जरूरी है। मुझे पता है कि माँ हद है, दीदी परेशान है और आपको रिश्ते की पड़ी है। जो चाहती है वो हुआ नहीं, जो वो नहीं चाहती है वही हो रहा है। जानती हूँ मैं, लेकिन जो नहीं हुआ उसका क्या कर सकते हैं? हाँ अब बेटा, 6 महीने तक तो तुम आर्मी ज्वाइन कर नहीं सकती, तो क्या फिर ऐसे बैठे रहेंगे? देख लड़का बड़ा अच्छा है, तेरी सुषमा चाची ने कहा है लाखों में एक है वो, अगर ये मौका हाथ से चला गया तो पता नहीं। और फिर तू शादी के बाद भी तो आमी ज्वाइन कर सकती है ना? हाँ बिल्कुल ज्वाइन कर सकती है, अगर इसके ससुराल वाले ने और पति ने माना तो। अगर नहीं माना तो ये क्या करेगी? देख
तू बीच में ना बोल, ये इसके और मेरे बीच की बात है ना, तू क्यों बीच में? माँ समझने की कोशिश करो, दीदी की बात तो मानो, उसके ऊपर जबरदस्ती मत करो आप। मैं जबरदस्ती कर रही हूँ? आज तक मैंने तुम बच्चों के साथ कभी जबरदस्ती की है? हर बात मानती हूँ तुम लोगों की, जो चाहिए वो ही करवाती हूँ तुमसे। तुम लोगों को लगता है मैं गलत कर रही हूँ ना, हर बात में मैं ही गलत। ठीक है फिर, जो करना है करो, मैं कुछ नहीं बोलने वाली। आप भी ना बार बार बच्चों की तरह रूठ जाती हैं। आप क्या चाहती हैं? मैं लड़के से मिल लूँ ना? ठीक है मैं मिल लेती हूँ। दीदी सच तो मिलेगी ना लड़के से? मेरी समझदार बच्ची है ना, तो फिर जल्दी से तैयार हो जा, मैं भी तैयारी कर लेती हूँ उनके खाने पीने की। हाँ जल्दी से। दीदी माना क्यों? लड़के मिलने की ही तो बात है ना, मिल लेंगे, जो होगा सही होगा। जी मैं बोल रही हूँ। अक्की ठीक है? हाँ अक्की ठीक है। आप ठीक हो? मैं कह रही थी आज अगर हो सके तो आप घर जल्दी आ जाइए। क्यों, क्या घर में आज? आप बस आ जाइए, आ जाएंगे तो फिर बात करते हैं। ठीक है कोशिश करूँगा। जी देख बेटा। क्या हुआ? देख पैसों का इंतजाम हो गया। देख अब तू आर्मी ज्वाइन कर सकेगी। इतने पैसे आए कहाँ से? हाँ लेकिन आपने कहा था बॉस ने दिया नहीं, तो फिर? माँ कुछ ज्यादा ही नहीं लगेगा? बिल्कुल ज्यादा नहीं लगेगा, सुंदर लगेगी। ले पहले मुझे दे। माँ आपने पापा को बताया? फोन किया था बताने के लिए, लेकिन वो इतने परेशान थे ना बोल ही नहीं पाई मैं। लेकिन तू टेंशन मत ले, जब वो आएंगे ना मैं समझा दूंगी, ठीक है? माँ पापा जब घर आएंगे और अचानक ये सब देखेंगे ना, उन्हें बहुत दुख लगेगा कि हमें उन्हें बताया नहीं। दुख उन्हें तब होगा अगर वो तेरा दुखी चेहरा देखेंगे। कि बेटा तेरे हाथ में सब। अखी बिटिया, अखी अखी बेटा कहाँ है? पापा क्या हुआ? अरे दीदी कहाँ, जल्दी से उसे बुला। अरे वाह आज तो बहुत खुश लग रहे हो। अरे देख देख बेटा। क्या हुआ? देख पैसों का इंतजाम हो गया। देख अब तू आर्मी ज्वाइन कर सकेगी। ये इतने पैसे आए कहाँ से? मैडम जी आप चिंता मत कीजिए, आपके पति ने कोई गलत काम नहीं किया। हाँ लेकिन आपने कहा था बॉस ने दिया नहीं, तो फिर? हाँ बॉस ने मना कर दिया था, पर मेरे ऑफिस के लोगों ने मेरी मदद कर दी। क्या बात है साहब? रवि ये हम सब की तरफ से है। ये क्या है साहब? अरे साहब बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, लेकिन लेकिन मैं ये नहीं ले सकता साहब। अरे रवि हम सब जानते हैं कि तुम बहुत खुददार हो, इसे लोन समझ के ले लो और अपनी सहूलियत के हिसाब से हमें लौटा देना। पर ये सब नहीं है। अरे नहीं भाई कुछ नहीं, तुम्हारी मदद करके हमें लगेगा कि हम भी देश के कुछ काम आए। जब बिटिया आर्मी ऑफिसर बनेगी
तब मिठाई जरूर खिलाना हमें, हाँ? खिलाएगा ना? बहुत सारी मिठाई खाऊंगे साहब, बहुत सारी मिठाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब तेरा सपना साकार हो जाएगा बेटी, तू आर्मी ज्वाइन कर सकेगी और हमारे देश का नाम रोशन करेगी। ये दीदी। आप किस चिंता में डूबी हुई हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्यों चिंता करूंगी, बस बात यह है कि हमारी बिटिया रानी आर्मी ज्वाइन करने जा रही है। मैं कल सुबह ही फ्लाइट की टिकट बुक करता हूँ और ये एग्जाम देने जाएगी। बहुत जल्दी मैं अपनी बेटी को आर्मी की ड्रेस में देखूंगा और उसे सल्यूट करूंगा। सल्यूट से याद आया कि आप लोग ये नए कपड़े पहन के कहाँ जा रहे हो भाई? वो दरअसल मैंने आपको कहा था ना ऑफिस से जल्दी आने के लिए। हाँ? वो इसलिए कि रत्ना माँ, सुषमा चाची आ गई। सुषमा चाची? तू अक्की को लेके अंदर जा जल्दी से, मैं आपको बाद में समझाती हूँ। आप मेरे साथ अभी चलिए। क्या? आप चलिए तो। नमस्ते नमस्ते, आइए ना आइए, आप ही का इंतजार हो रहा था। ये मेरे पति है रवि, आइए। अरे ढूंढने से भी ऐसा खाना नहीं मिलेगा आपको, बहुत ही मिलनसार और सच्चे लोग हैं। और लड़की को देखेंगे ना आपको लगेगा ऐसी सुंदर बहू हमें कहीं नहीं मिलती। बस बस रत्ना, यही सचिन। नमस्ते बेटा, आप लोग बैठ के बातें करो, मैं अभी कुछ खाने पीने के लिए लेके आती हूँ। हाँ हाँ रत्ना, आराम से आना, तब तक हम रवि भाई से बात करेंगे। रवि भाई आइए बैठिए, अपना ही घर समझिए। आइए। वैसे तो रवि भाई की लाडली है लड़की, फिर भी डिसिप्लिन में इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। ये तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों को सही परवरिश सही माँ बाप ही दे सकते हैं, नहीं तो आजकल के जमाने में लड़का हो या लड़की कुछ भी नहीं कह सकते। है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, आप लोग बातें कीजिए, मैं अंदर देखता हूँ रत्ना को इतना समय क्यों लग रहा है। जी ये सब क्या है रत्ना, ऐसे कैसे कर सकती हूँ? देखिए मुझे पता है आप नाराज हैं, मैंने आपको फोन जब किया था ना तो सोचा था बता दूंगी, लेकिन आप इतने परेशान थे कि हिम्मत ही नहीं हुई मैं। तो ये रास्ता निकाला आप धीरे बुरे पार्क मेहमान बैठे हुए, ये रास्ता निकाला तुमने मेरी परेशानी को हल करने का या मुझे परेशान करने का? अरे इतना बड़ा फैसला लेने जा रही हो मुझे पता तक नहीं। कोई फैसला नहीं लिया मैंने, वो बस मिलने आए हैं। आप मेरी बात तो समझिए। कुछ नहीं सुनना मुझे, मेरी बच्ची की शादी तय कर रही हूँ और मुझे भनक तक नहीं। मैं कुछ तय नहीं कर रही हूँ, वो बस मिलने आए, वो आज वापस जा रहे इसलिए कोई चारा नहीं था। सुषमा कह रही थी लड़का बड़ा अच्छा है और फिर अब अक्की का आमी जाना भी रह गया है, तो सोचा अपनी बच्ची के लिए कुछ तो अच्छा करूं। बहुत अच्छा कर रही हो तुम, बहुत अच्छा कर रही हो। अरे तुमको अपनी जिद पूरी करने का एक मौका मिल गया है, एक दिन भी सब्र नहीं हो तुम। तुमको क्या लगा कि मैं अपने जीते जी अपने बच्चों के लिए कुछ भी अच्छा नहीं करूंगा? मैंने ऐसा कब कहा, आप सब गलत समझ रहे हैं। हम इसके बारे में बाद में बात करें। रत्ना। हाँ बस आई, बाहर मेहमान बैठे हुए उनके सामने। छीन लो पैसे। ये पैसे बहुत काम के सेठ जी, मेरे बच्चे की भविष्य का सवाल है सेठ जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, जो कहेंगे मैं करूंगा सेठ जी। ठीक है, तुम्हारे बात में कितनी सच्चाई है मैं भी तो देख लूं। ठीक है सेठ जी, आप बोलिए मुझे क्या करना है। तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत है तो मेरे सामने झुक जाओ।